स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। अब तक हम लोग बहुत सारी बातें सीख चुके हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोग स्वयं सॉल्व किए हैं, बहुत सारे तथ्य आप लोगों ने सीखा है। अब एक्सरसाइज 7 नंबर की ओर चलते हैं हम, जो डेसिमल से रिलेटेड है। डेसिमल चैप्टर जो कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, डेसिमल होता क्या है आप ये जानते हो कि जो नंबर, किसी भी नंबर जब आप एक्सप्रेस करते हैं यदि डेसिमल फॉर्म में, तो वह डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे अगर सपोज दैट आप ये लिखते हैं 5.8, ये पॉइंट ही जो हम लोग बोलते हैं ये डेसिमल कहलाता है। इसी को हम 5.8 भी बोल सकते हैं, बट इन इंग्लिश 5.8 इट इज सेड। 235.87, 3258.793, such as these all numbers are known as decimal numbers. Here we should know that means this number has two part. First जो पहला part है वो decimal के पहले का, और दूसरा part है जो decimal के बाद का। ये ठीक है, ये जो decimal के पहले वाला, यानी आप अगर decimal के आप अपने position को मानिएगा तो आपके left side में जो पड़ेगा वो whole number का, वो होल नंबर का पार्ट होता है, और ये जो होता है वो डेसिमल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, ये होल नंबर जो है ये आपका इस तरफ, यानी कि क्या राइट टू लेफ्ट जाएगा, जबकि ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसे हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 इस तरह से पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर इसका पहला भाग आएगा वो टेंथ, TNTH, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये इस तरह से जाएगा 10,000, यानी दसवा, सौवा, हजारवा, इस तरह से, जबकि इस तरह वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 सच है। ओके, तो वी शुड नो दैट इज एनी नंबर विच हैज टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, देन लाइक वी कैन राइट सच एज सपोज दैट 725.37, 725.37, क्लियर। सच एज आपका ये एक्सरसाइज, आप उससे जुड़ा हुआ तत्व को पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब आप देखो एक्सरसाइज नंबर 7A, एक्सरसाइज 7A। देखिए, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स, 58.63, 58.63। अब देखिए 58, यू कैन राइट पॉइंट एंड आफ्टर दैट 63, क्लियर। तो इस तरह से आप लिख पाओगे, क्लियर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल, 14.83। यहाँ पर इसे आपको चेंज करना है किसमें बताइए। हाँ, ये आपको प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखाएगा, यहाँ पर देखिए आप ये प्लेस वैल्यू एक एक करके जब चलेंगे तो आप इसे दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे अगर प्लेस वैल्यू ऑफ वन लिखें तो कितना होगा, वन कहाँ पर, टेंथ पर है तो 10 हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ फोर वंस पर है तो 4 बन जाए 4 हो गया।
लेकिन प्लेस वैल्यू ऑफ एट है, तो देखिए एट आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल है और फर्स्ट पार्ट, तो ये एट टेंथ हो जाएगा और टेंथ का मतलब दसवां भाग यानी कि 8/10 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट या 4 वंस, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8/10, तो ये हो जाएगा कितना 8/10। फिर इसी प्रकार प्लेस वैल्यू ऑफ 3 तो कितना होगा 300, कितना होगा 3/100। टेंथ का मतलब दसवां यानी उसमें 10 से डिवाइड करना है, हंड्रेड का मतलब सौवां यानी उसमें 100 से डिवाइड करना है, तो टेंथ 100 फिर 1000 फिर 10000 इस तरीके से ये जाएगा। तो जब भी प्लेस वैल्यू निकालना रहेगा डेसिमल नंबर का आप इस रूप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तीसरा नंबर जो आता है क्वेश्चन, इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे है ना, सीखेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा फिर शेयर करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर का फर्स्ट में 67.83, तो चलिए 67, तो क्या होगा 60+7 प्लस क्या होगा 8/10 प्लस 3/100, यानी आप जैसे प्लेस वैल्यू में लिखे हैं उसी प्रकार वहां पर लिखना होता है और प्लस साइन आप देते जाए। 6 का प्लेस वैल्यू 60, 7 का प्लेस वैल्यू 7, 8 का प्लेस वैल्यू 8/10, 3 का प्लेस वैल्यू 300। सो वी कैन राइट हियर 60+7+8/10+3/100। वन मोर एग्जांपल, सपोज दैट 6 नंबर 4615.72, देन 4 मीन्स 4000 है, 4000+600, अब देखिए 1/10 पर है तो 10, 5/1 पर है 5, 7/10 पर है 7/10 और 200 पर है 100 पर तो 2/100, 2/100, सच एज वी कैन एक्सप्रेस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 40+6+7/10+9/100, चलिए 46, तो 4 टेंस पर आया, यूनिट पर 6 आया और जैसे ही बाई 10 आ गया तो उसके पहले आप डेसिमल दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए और फिर 7, फिर कितना ना बिल्कुल इसी अंदाज में। वन मोर क्वेश्चन, फोर नंबर 600+5+7/100+9/1000, अब देखिए 600 पर आया, टेंस पर नहीं है तो जहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ पर जीरो दे देंगे, फिर 5 यूनिट पर आया 605 हो गया, प्लस 7/100 आया तो जैसे ही बाई में आता है 1000 इस तरह से, तो उसके पहले पॉइंट दे दीजिए। अब इसके बाद टेंथ का पोजीशन होता है, इसका होता है टेंथ का, यहाँ पर टेंथ का पोजीशन है नहीं है तो नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या देंगे जीरो, और फिर 100 का पोजीशन कितना है 7 और 1000 का पोजीशन कितना है तो 9, तो ये आंसर हो जाएगा 605.079, वी कैन एक्सप्रेस सच वे, क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब क्या हुआ, देखिए डेसिमल में जैसे ही 3.5 लिखे
इसका मतलब ये हो गया कि 3.50, मतलब हो गया 3.500, 3.500, 3.500000 और डॉट मीन्स इनफाइनाइट। आप डेसिमल के बाद के नंबर जो लास्ट होगा उसके बाद इनफाइनाइट टाइम्स आप जीरो ले सकते हैं। जीरो लेने पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जब भी हमें लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा तो उसमें ये बात ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट हैं वो सभी में इक्वल नंबर के हों। इक्वल नंबर का मतलब कि अगर किसी में मैक्सिमम 3 डिजिट है तो हमें प्रत्येक नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, और अगर उसमें डिजिट में कम जाता है तो हम उसकी जगह पर जीरो यूज करेंगे। जैसे आप देखें 7.5, 64.23 और 0.074। अब देखिए डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, नो एनी डाउट। आप ये कह सकते हो कि सर 0.074 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है जो मैक्सिमम है इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर 3 डिजिट है। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर दिए हुए हैं सभी में 3 डिजिट हो जाए। 3 डिजिट होने का मतलब यानी जिसमें नहीं रहेगा तो उतना हम जीरो दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 डिजिट है तो 2 जीरो पड़ जाएगा, इसमें 2 डिजिट है तो 1 जीरो पड़ जाएगा, और इसमें 0.074। अब देखिए डेसिमल के बाद तीनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ डिजिट है, सेम नंबर ऑफ डिजिट, सेम डिजिट नहीं बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ डिजिट यानी 333। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल में कहलाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, 2.5, 0.63, 14.08 and 1.637। देखिए किसमें मैक्सिमम डिजिट है, तो इसमें है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 है ना, तो 3, 2.50, 0.63, 0, 14.080 and 1.637। ये सब क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल में कहलाएगा। समझ में आएगा, इस तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंपैरिजन करना है 84.23 एंड 76.35। आप समझ सकते हैं 84.23 76.35 डेसिमल के फर्स्ट पार्ट यानी कि होल नंबर का जो पार्ट है, यदि उसमें बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा, और यदि आप कहीं पर डॉट होता है तो लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। हियर नो एनी डॉट वी कैन से दैट मींस 84.23 इज ग्रेटर देन 76.35। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच हैज टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5.8, 7.2, 5.69, 7.14 and 5.06। देखिए अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप सभी को लाइक डेसिमल में चेंज कर दें, सबसे आसान होता है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है डिजिट, 2 आफ्टर डेसिमल, देन यू हैव टू यूज 5.80, 7.20, 5.69, 7.14, 5.06 and you have to mention in ascending order का मतलब क्या हुआ,
छोटा से बड़ा की ओर, यानी सबसे पहले कौन लिखाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखाएगा। अब इसमें आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखिए आप डेसिमल को अगर इग्नोर भी कर देते हैं इस क्रम में, थोड़ी देर के लिए डेसिमल तो है लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि डेसिमल सपोज दैट नहीं है, तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अगर डेसिमल नहीं है तो इसको बोलेंगे 580, 720, 569, 714 और 506। अब ये देखिए पांच में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो 506 यानी 5.06। उसके बाद कौन आ गया 5.69, फिर कौन आया 5.80, फिर 7.14 और फिर 7.20। कॉमा का हटा करके आप ऐसे ले लीजिए ये सिंबल जो बता देगा इससे ये बड़ा, इससे ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार आप अरेंज कर सकते हैं, इस प्रकार आप बना सकते हैं। और यदि यही डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में है तो आप इसके अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7A आप बनाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगा फिर आप उनसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।